कैमरा इतना चिल्ड हो गया इसको पकड़ने की। धूप में अच्छा लग रहा है, धूप में अच्छा लग रहा है। सो लोगों का स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अभिषेक, लाइव फ्रॉम मुंशियारी। आज हम मुंशियारी में रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि कल की ट्रक के बाद हमारी जो, आपने तो वीडियो देख लिया, जो हालत टाइट हो गई है। रात को अच्छे से नींद ही नहीं हुई, करवटें बदल बदल के मैं सो रहा था क्योंकि पैर दुख रहे थे यार मेरे, और फॉर सम रीज़न ये शोल्डर भी दुख रहा है। शायद मैं थोड़ा गिर भी गया था एक जगह पे, तो उसकी वजह से हो सकता है, लेकिन ठीक है, हो जाएगा ठीक। इसीलिए आज का दिन रेस्ट करेंगे, यहाँ के आसपास की खूबसूरती आपको दिखाएंगे। एक टेम्पल है नंदा देवी टेम्पल, हम वहाँ जाने की भी कोशिश करेंगे, और क्या, वीडियो एडिट करेंगे। तो ये टेबल यहाँ पे एडिट होगा, और ये देखो नज़ारा, वर्क फ्रॉम वेकेशन। चलो अभी ब्रेकफास्ट करने जा रहा हूँ, उसके बाद आऊँगा और वीडियो एडिट करूँगा कल वाला जो आपने ऑलरेडी देख लिया है। तेंदुआ दो दिन से निकला नहीं है और इसका इंजन भी एकदम चिल्ड हो गया होगा। ओहो, चलो कोई नहीं, कल से अपन तेरे पे ही है। तो दो दिन से हम यहीं पे खाना खा रहे हैं, अपना भोजनालय। वाह, तो दो दिन से भैया हमको खाना खिला रहे हैं, काफ़ी बढ़िया खाना मिलता है। अपना ढाबा, अपना रेस्टोरेंट, अपना भोजनालय, अपना भोजनालय, ओ सॉरी। तो ये बन रहा है मिक्स पराठा, और खाने का हम पहले उनको बता देते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा 8:30-9 बजे तक सब कुछ बंद हो जाता है, तो हम शाम को ही बता देते हैं, कन्फर्म कर देते हैं उनको। ये मिक्स पराठा, ओहो, और ये सब्जी भाई। ब्लॉगर सी, ब्लॉगर से देखो, देखो यहाँ भी कैमरा, वहाँ भी कैमरा है, देख रहे हो? बट मजा आ रहा है ट्रिप में, ठीक है, मजा आ रहा है। अच्छा, आप तो दिल्ली के हो ना, हमारे लिए तो ये बहुत, दिल्ली का पुरगा, दिल्ली चा पुरगा, दिल्ली का पुरगा। राजन भाई को थोड़ा मराठी सिखा रहे हैं, जैसे मैं घाई सीख गया हूँ, घाई मतलब जल्दी जल्दी। हाँ चलो, दिन का पहला निवाला भैया, तो अच्छा ही बना गया। तो अगर आपको ऐसे ज़बरदस्त लोकेशन वाले होटल्स का बुकिंग करना है तो वीगो से कर सकते हैं। मैं कितने साल से वीगो से मेरे फ्लाइट और होटल बुकिंग्स कर रहा हूँ। सो वीगो इज़ अ ग्लोबल ट्रैवल ब्रांड जिसकी सर्विसेज बहुत सारी कंट्रीज और करेंसीज में अवेलेबल है। इनफैक्ट ये बहुत ज़्यादा हैंडी होता है फॉर लास्ट मिनट बुकिंग्स फॉर फ्लाइट्स एंड होटल्स। तो वीगो क्या करता है, वीगो ये करता है कि अलग अलग जितने भी ट्रैवल वेबसाइट्स है, जैसे कि मेक माई ट्रिप, वीबो, क्लियर ट्रिप, उनमें से कंपेयर करके बेस्ट डील और बेस्ट ऑफर आपको डायरेक्टली एक ही स्क्रीन पर दे देता है। तो इससे आपको अलग अलग वेबसाइट्स में, अलग अलग ऐप्स में जाने की जरूरत नहीं है, एक ही प्लेटफॉर्म में आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आप आपका मन चाहा होटल या फ्लाइट बुक कर सकते हो एट द बेस्ट पॉसिबल रेट। एंड नॉट जस्ट होटल्स, आप आपका मन चाहा होम रेंटल भी बुक कर सकते हो, जैसे कि एयरबीएनबी, अगोडा, तो जितने भी सारी होम रेंटल वेबसाइट्स है उसका भी डेटा डायरेक्टली आपको वीगो दे देगा एक ही स्क्रीन में विद बेस्ट पॉसिबल ऑफर। सिर्फ इतना ही नहीं, वीगो इज कम विद द लेटेस्ट ऐप जिसमें काफ़ी सारी फन एक्टिविटीज़ है। इनफैक्ट आप IRCTC से ट्रेन टिकट भी बुक कर सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, Vigo's app is very handy for last minute bookings and in low connectivity areas. In fact, Vigo's app is world's fastest loading travel app. So go and discover real value of travel through Vigo. नीचे description में link है, iOS के लिए भी है, Android के लिए भी है, directly आप download कर सकते हो and start your bookings for hotels and flights through Vigo. तो यहाँ सुबह से लाइट नहीं थी, मेरा लैपटॉप सिर्फ 25% पे था, और मैंने कैसे तो भी लोएस्ट ब्राइटनेस पे वीडियो एडिट किया, और जस्ट रेंडरिंग करने के बाद जस्ट लाइन है, देखो 6% या 4% पे था, तब वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। 23 मिनट्स रिमेनिंग, सब कुछ चार्ज है, देखो बैटरीज कैसे बिहेव कर रही है, अभी फुल चिल्ड हो गई थी ना ड्रोन की बैटरी, ये देखो ब्लिंक कर रही है, तो जल्दी से भी चार्ज होगी नहीं, जब तक ये गर्म होगी नहीं उसके बाद ही चार्जिंग चालू होगी। देखो ये अभी चालू हो रही है, तो काफ़ी टाइम लगता है चार्जिंग को इन दिस टाइप ऑफ कोल्ड वेदर। अभी वीडियो एडिट करूँगा जो आपने देख लिया ट्रैकिंग वाला, और उसके बाद अभी थोड़ा फ्रेश होगा। ठंडी यार, अंदर बैठे तो इतनी ठंडी लग रही है यार। तो यहाँ पर राजन भाई लग चुके हैं काम पर, अभी लाइट आ गई तो काम कर लो कि भाई कब से धूप ही सेक रहे हैं, क्या करूं, 2-3 घंटे से धूप में बैठे हैं, काम ही नहीं है अपने को और लाइन नहीं थी अभी तक, इनका काम हो जाता था। हाँ वो भी है, वो भी है। और ये पंचचौली रेंज का व्यू, ऐसा लगता है बस देखते रहूं। चलो नहाना हो चुका है,
और काफ़ी दिन बाद मैं भी थोड़ा ग्रूम्ड हो गया, थोड़ा ट्रिमिंग विमिंग कर लिया, अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। और बालों को भी तेल लगा के रखा था सुबह ही, अभी शैम्पू करके सेट। तो अभी मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है पंचचूली पीक्स के बारे में। पहले आपको पीक्स दिखा देता हूँ, 5 पीक्स है, 1 2 3 4 5। अब ऐसा कहा जाता है कि पंचचूली मतलब पंच मतलब 5 और चूली मतलब चिमनीस, मतलब 5 जगह पे पांडव जब भी यहाँ आए थे उन्होंने लास्ट मील किया था, उन्होंने ये पीक्स पे खाना पकाया था हेवेंस पे जाने के पहले, मतलब स्वर्ग में जाने के पहले उन्होंने लास्ट मील किया था और फिर यहाँ से वो स्वर्ग गए थे। तो तब से इसका नाम पड़ गया है पंचचूली। ये भी एक थ्योरी है कि पुराने ज़माने में वो टाइम पे ये नेपाल किंगडम का हिस्सा हुआ करता था और नेपाली में पंचचूली मतलब पंच मतलब 5 और चूली मतलब पीक्स। तो मतलब अपनी अपनी थ्योरीज है, हम ये बिलीव करते हैं, वो बिलीव करते हैं। और कैमरा में ये एक्चुअली आपको सिर्फ दिख रहा है, एक्चुअली वो कितना मैसिव है वो यहाँ पे आने के बाद ही समझेगा। और बहुत दूर है भाई, ये लगता है नज़दीक है लेकिन नज़दीक नहीं है, बहुत ज़्यादा दूर है। पंचचूली बेस कैंप की तरफ जाते जाते हमको एक रास्ता मिला था जो ओम पर्वत जाता था। ये देखो, ये रहा ओम पर्वत, इसका शेप ओम जैसा है, पता नहीं कैसा होता है यार। देखो अभी यहाँ पे छाव आ गई, धूप वो साइड में है तो अभी एकदम चिल्ड हो गया है, एकदम चिल्ड। मेरे को लगेगा अरे गया नीचे। तो थोड़ी गर्माहट पाने के लिए यहाँ पे क्रिकेट खेला जा रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, तो थोड़ी देर पहाड़ों के बीच में क्रिकेट, वाह क्या बात है। अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं नंदा देवी टेम्पल, वहाँ पे जाके दर्शन करेंगे क्योंकि हमारे पास वक्त भी है और देखने लायक जगह भी है। इधर अभी तक ऐसा कैफ़े कल्चर नहीं आया लगता है ना, जैसा मनाली में होता है, उस तरह का टूरिस्ट ही नहीं है। इधर होमस्टे जैसे होटल्स है, ऐसा कोई बहुत लग्जरी होटल भी नहीं मिलेगा, और कैफे कल्चर तो दिखा ही नहीं कुछ, हार्डली एक रेस्टोरेंट दिखा जो थोड़ा कैफे कल्चर जैसा था ऊपर। लेकिन हो सकता है कुछ सालों में ये भी मनाली जैसा थोड़ा हो जाए कमर्शियल, फिलहाल के लिए तो बढ़िया है। थोड़े से बन जाएंगे ना, हाँ रोड, हाँ ये थोड़ा बाहर भी पड़ता है, नेपाल बॉर्डर की तरफ पड़ता है तो थोड़ा दूर भी पड़ता है, दिल्ली वालों के लिए भी दूर पड़ता है, हमारे लिए तो खैर। अपने को मनाली, अपने को मनाली क्या, और ये क्या अपने को दूरी है, सब एक जैसे ही है, सब एक जैसे ही है। तो चलो आधे घंटे में पहुंच गए हम नंदा माता मंदिर के द्वार। अभी भी पैर नॉर्मल हुए नहीं है, ऊपर से अभी तक चल रहे, वापस भी जाना है। चलो जय नंदा माता की हो। चलो ओहो, काफी बड़ी जगह है बॉस। मुझे लगा सिर्फ एक मंदिर रहेगा लेकिन तो बहुत बड़ी जगह है। तो ये रहा नंदा देवी टेम्पल, क्या बात है, काफी खूबसूरत जगह है। और यहाँ पे एंट्री फी भी है 20 रुपीज पर पर्सन, तो हमने वो पर्ची काट ली है। चलो अभी दर्शन कर लेता हूँ। आपकी चलो, थैंक यू सर, थैंक यू। माता ने हेल्प कर दिया, मैं तो यही बोल रहा हूँ, है ना। सोच ही रहे थे ना कि लिफ्ट मिल जाए, लिफ्ट मिल जाए, जाते टाइम ना डर लग रहा था, टेंशन था कि वापस कैसे आएंगे। सही में यार, अबे हालत पतली हो जाती, इसका तो चेहरा एकदम नर्वस हो गया था जाते जाते, है ना। चलो मजा आ गया, चलो अच्छा, अभी चाय भी नहीं, अभी चाय पीएंगे आराम से, फ्रेश फ्रेश लग रहा है एकदम। ऑलराइट, सो इट्स टाइम टू एंड दिस वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे, डू हिट द लाइक बटन। अभी बैठूंगा एडिटिंग करने के लिए, ठंड बढ़ गई है, डे वन में ठंड थोड़ी कम थी, अभी थोड़ी ज्यादा है। एनीवेज, कल हम लोग निकल रहे हैं टुवर्ड्स आर नेक्स्ट डेस्टिनेशन, वहाँ पे भी हम जाके एक्सप्लोर करेंगे। प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो। दैट्स इट, अभी बहुत आलस आ रहा है एक्चुअली करने का, लेकिन करना तो पड़ेगा। मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तो खुश रहो, आबाद रहो, भटकते रहो। और राजन भाई हमारे जो है वो निकल रहे कल सुबह दिल्ली की। दिल्ली तो राजन भाई कर रहे हैं पैकिंग, ऑल सेट, सुबह जल्दी निकलेंगे, है ना। हाँ जी, कल निकल जाऊँगा। तो 12-14 घंटे लगेंगे, 14-15 घंटे लगेंगे, इसीलिए सुबह सुबह जल्दी निकल रहे हैं, 7 बजे -2 -3 में निकल रहे हैं। बट ठीक है, कोई नहीं, हो जाएगा आराम से, चले जाओ। ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं।